हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट एक दूसरे से वेरी करती हैं, और एज पर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट यानी कि टेम्परेचर की जरूरत के अकॉर्डिंग हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 5 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो देखते हैं ये कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज साइक्रोफाइल्स, सेकेंड टाइप साइक्रोट्रॉफ्स, थर्ड मीजोफाइल्स, फोर्थ थर्मोफाइल्स एंड द फिफ्थ वन इज हाइपर थर्मोफाइल्स। ठीक है, तो ये 5 डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स। अब हम हर एक टाइप के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे इन हेडिंग्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वन से, जिसे हम बोल रहे हैं साइक्रोफाइल्स। अगर हम साइक्रोफाइल्स की बात करें तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्रोफाइल्स जो हैं इन्हें कोल्ड लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये लो टेम्परेचर प्रेफर करते हैं ग्रोथ के लिए। ठीक है, और इनका जो दूसरा नाम है वो होता है क्रायोफाइल्स। अब हम बात करेंगे साइक्रोफाइल्स किस टाइप की टेम्परेचर रेंज प्रेफर करते हैं या उनको रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ के लिए। देन यू शुड नो साइक्रोफाइल्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कैन ग्रो वेल एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर वो आराम से ग्रो कर जाते हैं, बट जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उनकी ग्रोथ का वो 15 डिग्री सेल्सियस और लोअर होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, जनरेशन टाइम या हम कहें डबलिंग टाइम, वो काफी शॉर्ट हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं एट वेरी हाई रेट। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है जिसपे ये ग्रो करते हैं, तो वो है अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ इफ वी आर इंटरेस्टेड टू आइसोलेट देम, अगर हम इनकी स्टडी डिटेल में करना चाहते हैं तो कहाँ से हम इन्हें आइसोलेट कर सकते हैं, तो आर्कटिक एंड अंटार्कटिक हैबिटेट जो है वहां से इजिली आइसोलेट किया जा सकता है साइक्रोफिलिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन में मेनली क्या होते हैं, ओशंस होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, और अगर हम ओशंस की बात करें तो ओशंस में जो 90% ऑफ द वाटर होता है उसका टेम्परेचर हमेशा 5 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो अभी हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, तो बैसिलस साइक्रोफिलस ये एक बैक्टीरिया है जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और दूसरा जो है यहाँ पे मैंने दिया है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस क्या है, ये एक प्रोटिस्ट है, और ऐसा देखा गया है कि क्लेमाइडोमोनास निवेलिस जो है ये रेड कलर के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, वो रेड कलर के स्पोर्स जो ग्लेशियर्स होते हैं उनको रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस फिनोमिना को बहुत ही पॉपुलरली कहा जाता है वाटरमेलन स्नो, यानी वाटरमेलन स्नो के लिए क्लेमाइडोमोनास निवेलिस रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप यानी साइक्रोट्रॉफ्स के बारे में। अगर हम साइक्रोट्रॉफ्स की बात करें तो पहले आपको ये जानना है कि साइक्रोट्रॉफ्स का भी एक दूसरा नाम होता है जस्ट लाइक साइक्रोफाइल्स। ठीक है, तो साइक्रोट्रॉफ्स जो है इनको पॉपुलरली साइक्रोटॉलरेंट भी बोलते हैं, साइक्रोटॉलरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर इनको फैकल्टेटिव साइक्रोफाइल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं साइक्रोट्रॉफ्स किस टेम्परेचर पे अच्छी ग्रोथ शो करते हैं, तो दे कैन ग्रो एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हाई, बट अगर हम इनके ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और मैक्सिमम क्या होता है अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, अब हम बात करेंगे साइक्रोट्रॉफ्स को हम किस एनवायरमेंट से स्टडी कर सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है लंबे टाइम के लिए हमने कोई फूड स्टोर कर दिया रेफ्रिजरेशन में, तो वहां पर साइक्रोट्रॉफ्स के ग्रो करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और अगर रेफ्रिजरेटेड फूड स्पॉइल होता है तो ये देखा गया है उसमें जो मेजर फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो साइक्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स, तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस एंड स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ साइक्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की मीजोफाइल्स की। अगर हम मीजोफाइल्स की बात करें तो मीजोफाइल्स जो है ये इनके लिए जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ के लिए वो होता है 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, और जो ऑप्टिमम सपोर्ट करता है इनकी ग्रोथ को 20 to 45 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 45 डिग्री सेल्सियस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर जो मीजोफाइल्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अब हम बात करेंगे हैबिटेट के बारे में, तो मीजोफाइल्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन पैथोजेंस या फिर जो बॉडी के ह्यूमन बॉडी के कॉमेंसल्स भी होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा इनसाइड द ह्यूमन बॉडी होता है वो भी मीजोफिलिक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। ऐसा क्यों है कि सभी ह्यूमन पैथोजन, हम कह रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन पैथोजेंस, या फिर हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी कॉमेंसल्स जो है नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा लिविंग इनसाइड द बॉडी वो सब मीजोफाइल्स है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमें पता है फेयरली कॉन्स्टेंट रहता है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, तो जो 37 डिग्री सेल्सियस पे इनसाइड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होगा, तो हम देख रहे हैं 37 इज द टेम्परेचर विच फॉल्स इन द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज ऑफ मीजोफाइल्स, और इनका ऑप्टिमम कितना है 20 to 45। इट मींस जो मीजोफाइल्स हैं दे कैन वेरी वेल ग्रो इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, इकोलाई एंड ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की, थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स की बात करें तो थर्मोफाइल्स जो होते हैं ये, इनको बोला जाता है हीट लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या हम कह सकते हैं हाई टेम्परेचर लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं इनकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है, तो दे कैन ग्रो एट 45 to 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बट द ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इनकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है वो है 55 to 65 डिग्री सेल्सियस, एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच दे कैन ग्रो इज 85 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करेंगे थर्मोफाइल्स को हम कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, कौन सा हैबिटेट है जो ये ऑक्यूपाई करते हैं, तो जनरली अगर हम बात करते हैं कंपोस्ट की या फिर हे स्टैक्स होते हैं, ठीक है, तो हे स्टैक्स में भी क्या होता है, टेम्परेचर इन साइड हे स्टैक्स गेट इंक्रीज, और या फिर हम हॉट वाटर स्प्रिंग्स की बात कर रहे हैं, तो ये सब जो है सुटेबल एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं थर्मोफाइल्स की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। अभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस। जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस को जो है इसके जो स्पोर्स हैं वो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में इंडिकेटर भी यूज किए जाते हैं कि स्टेरिलाइजेशन ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो बैक्टीरिया है, ये भी थर्मोफिलिक है। और थर्मस एक्वेटिकस की अगर हम बात करें तो थर्मस एक्वेटिकस जो है ये बहुत ही अच्छा सोर्स है टैक पॉलीमरेज एंजाइम का, जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए यूज करते हैं, किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ओके, तो अभी हम चलते हैं फिफ्थ टाइप की तरफ, हाइपर थर्मोफाइल्स। हाइपर थर्मोफाइल्स इनके नाम से ही पता चल रहा है, इनको और ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ग्रो करने के लिए, और इनकी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है वो होती है 85 to 113 डिग्री सेल्सियस, 113 डिग्री सेल्सियस। कहाँ से हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं, तो हॉट एरियाज ऑफ द सी फ्लोर, ठीक है, जो सी फ्लोर जो है वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज रहता है और वो फेवरेबल कंडीशन एनवायरमेंट क्रिएट करता है हाइपर थर्मोफाइल्स के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं पायरोकोकस अबाइसी एंड पायरोडिक्टियम ऑक्यूल्टम, दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया जो कि हाइपर थर्मोफाइल टाइप के होते हैं, ठीक है। हाइपर थर्मोफाइल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे हम साइक्रोफाइल्स की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब, तो ये सब कुछ क्या है हमारा, ये हम साइक्रोट्रॉफ की बात करें तो ये सब एक्सट्रीमोफाइल के भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एक्सट्रीमोफाइल्स क्या होते हैं, जिन्हें हम स्टडी करते हैं आर्किया में, ठीक है, और अगर बैक्टीरिया की बात करें तो उन्हें हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, आई होप ये कॉन्टेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।